हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स ओनली। तो आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगी एनिमल किंगडम, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोलॉजी का फॉर SSCJE एंड CHSL एग्ज़ाम की जनरल अवेयरनेस के लिए। इसके बाद जो है आपका एनिमल किंगडम से कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारे चैनल पे SSCJE की पूरी जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग जो है कवर करवाई जा रही है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं वीडियोस, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक से आप सारे वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि और वीडियोस डालिए, या फिर जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उन्हें नहीं पता है कि ऑलरेडी वीडियोस डल चुके हैं, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन से लिंक ले लीजिए। बार बार कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई करती हूँ तो उसमें बहुत टाइम लगता है। आप प्लीज़ थोड़ा सा काम कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से प्लीज़ एक्सेस कर लीजिए वीडियोस को। और यहाँ मैं और भी बता दूँ आपको कि जो बच्चे SSC CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी भी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और मैथ्स जो है हम पूरा करवाएंगे। इंग्लिश के वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो आप उन्हें देख लीजिए। उसके अलावा भी स्पेसिफिकली CHSL के लिए इंग्लिश के वीडियोस भी हम लेके आएंगे। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एनिमल किंगडम। आज मैं आपको एनिमल किंगडम के सारे MCQs भी बता दूंगी और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या आज तक पूछे गए हैं वो सब जो है आज मैं इस वीडियो में कवर कर दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ICZN की फुल फॉर्म क्या होती है, पहले हम थोड़े से मिसलिनियस बातें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे। तो ICZN की फुल फॉर्म आपकी होती है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछी जाती है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर होता है जिसमें आप किसी भी पर्टिकुलर एनिमल को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं, और वो जो नाम होता है दैट कंसिस्ट्स ऑफ टू कंपोनेंट्स। द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स द जीनस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एंड द सेकंड कंपोनेंट रिप्रेजेंट द स्पीशीज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, एंड दीज वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम द लैंग्वेज लैटिन। तो ये इस पे से कुछ भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में कितने कंपोनेंट्स होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बायनॉमियल नेम रिप्रेजेंट व्हाट, तो वो जीनस रिप्रेजेंट करता है। ये भी पूछा जा सकता है कि एक साइंटिफिक नाम आपको दे दें, जैसे कि सपोज आपको एक ये नाम दे दिया और इसमें ये पूछ लें कि इसमें जो है जीनस क्या है इस ऑर्गेनिज्म का, तो जीनस है आपका राना और आपकी स्पीशीज़ है टिग्रीना। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट वर्ड जो होता है वो आपकी जीनस होता है और जो सेकंड वर्ड होता है वो आपका स्पीशीज़ होता है। तो ये जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का तरीका है ये किसने दिया था? ये दिया था कार्लुस लीनियस ने। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर वॉज गिवन बाय कार्लुस लीनियस। उसके बाद ब्रांच टेकिंग इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। इन एनी क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट कैटेगरी, तो लोवेस्ट आपकी होती है स्पीशीज़। इसे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। तो ज़रा आप इस अगर डायग्राम को देख ले राइट हैंड साइड पे, तो सबसे पहले आपकी आती है स्पीशीज़, उसके बाद जीनस, उसके बाद फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम एंड देन फाइनली वी हैव किंगडम। तो इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, तो इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे नीचे जो है या यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो होती है वो होती है आपकी स्पीशीज़। तो टू किंगडम सिस्टम पहले आया था और वो किसने दिया था? लीनियस ने दिया था अगेन। ये भी आप ध्यान रखिएगा, सेम है ये, कार्लुस लीनियस। तो टू किंगडम सिस्टम और बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दोनों इन्होंने दिए थे। उसके बाद आपका कुछ उसमें एम्बिग्विटीज़ थी जो कि ज़रूरी नहीं है यहाँ डिस्कस करनी। तो उसके बाद हमारा फाइनली आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, और वो किसने दिया था? R.H. व्हिटकर ने दिया था 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जो ये टू किंगडम था इसमें ऑब्वियसली दो ही किंगडम थे आपके, प्लांट और एनिमल किंगडम। लेकिन जो ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आई इसमें आपके फाइव किंगडम्स में डिवाइड कर दिया ऑल ओवर ऑर्गेनिजम्स को। तो ये फाइव किंगडम्स कौन से थे? ये फाइव किंगडम्स थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनीमेलिया। सो इन 5 किंगडम्स में जो है टोटल ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया। तो इसमें जो प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी है वो मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। आज जो है हम मोनेरा ख़त्म करेंगे और एनिमेलिया ख़त्म करेंगे इस वीडियो में। तो मोनेरा से शुरू करते हैं। तो ओनली किंगडम हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल टाइप इज मोनेरा। तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है? अ प्रोकैरियोट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट लैक्स अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। जिस सेल के अंदर जो है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता या कोई और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं होती हैं, उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो मोनेरा वो किंगडम है जिसमें सारे के सारे आपके प्रोकैरियोट्स हैं। तो मोनेरा में बेसिकली आपके जो आते हैं वो आते हैं बैक्टीरिया, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप। तो उसके बाद किंगडम विदाउट सेल वॉल इज़ एनिमेलिया, ध्यान रखिएगा। किंगडम विदाउट सेल वॉल इज़ एनिमेलिया। मूसा डोमेस्टिकस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जो कॉमन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो आप अपने आसपास देखते हैं, उनके स्पेसिफिकली जो है साइंटिफिक नेम आपको याद करने हैं क्योंकि वो पूछे जाते हैं। तो हाउस फ्लाई इज़ अ कॉमन थिंग जो आप देखते हैं अपने आसपास, तो उसका साइंटिफिक नेम आप ध्यान रखेंगे। मूसा डोमेस्टिकस है उसका। कैट एंड डॉग बिलोंग टू द सेम ऑर्डर, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, दे बिलोंग टू द सेम ऑर्डर। Cat belongs to genus Felis and family Felidae। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, आप ये मत सोचिए कि इतने सारे genus और इतनी सारी families हैं, इतने सारे organisms हैं तो किस किस का याद रखेंगे। ये सिर्फ मैं वही ले रही हूँ जो पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप इनको बस ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। Dogs belong to family Canidae। Organisms without any kingdom are virus which are actually non-cellular, वायरॉइड एंड लाइकेंस। लाइकेंस के बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, एनवायरनमेंट के वीडियो में। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें फ़िलहाल किसी भी किंगडम में जो है नहीं रखा गया है। द टर्म वायरस वॉज कॉइंड बाय पैस्चर D J इवानोस्की, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अब फाइनली हम शुरू कर देते हैं सारे किंगडम्स और फटाफट से इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। किंगडम मोनेरा की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो शेप ऑफ द बैक्टीरिया के बारे में भी पूछे जाते हैं। तो पहली शेप जो है आपकी कोकाई, जो कि राउंड शेप बैक्टीरिया होता है। देन बेसिलाई, जो कि रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। देन स्पिरिलम, जो कि स्पायरल होता है आपका। एंड विब्रियम, जो कि कोमा शेप्ड होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इनके नाम भी इनकी शेप के हिसाब से रखे जाते हैं। तो कई बार इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा चला आता है कि आपको बैक्टीरिया का नाम दे दिया गया है, तो आपको ये बताना है कि वो किस शेप का बैक्टीरिया है। तो उसके जो नाम होता है बैक्टीरिया का, उसमें ही उसकी शेप होती है। तो ये आप उस नाम में ये वर्ड जो है वो ढूँढेंगे। ये जो वर्ड है ये अगर उस नाम में प्रेजेंट है तो अकॉर्डिंगली उस बैक्टीरिया की शेप होगी। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो बैक्टीरिया के नाम याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, उसमें नाम में ही आपको नाम पढ़ते ही पता चल जाएगा। इनमें से कोई ना कोई वर्ड उसमें होगा और आपको पता चल जाएगा कि उसकी शेप क्या है। बैक्टीरिया लिविंग इन सॉल्टी एरियाज आर नोन एज हेलोफाइल्स। बैक्टीरिया लिविंग इन हॉट स्प्रिंग्स आर नोन एज थर्मोएसिडोफाइल्स। बैक्टीरिया लिविंग इन मार्शी एरियाज आर नोन एज मिथेनोजेंस। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें याद कर लीजिए। देखिए आप PDF मांग रहे हैं, PDF से कोई भी फ़ायदा नहीं होता, जो फ़ायदा की नोट्स बनाने से होता है। तो प्लीज़ मेक नोट्स ऑफ दीज स्लाइड्स। आप इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद जो है अपना खुद का PDF भी बना सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके फिर आप आराम से तसल्ली से नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स बनाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपको नोट्स बनाते बनाते ही आधी चीज़ें याद हो जाती हैं। जितना हार्डवर्क से दूर भागेंगे उतना ही सक्सेस आपसे दूर भागेगी। तो हार्डवर्क करने से मत घबराइए, आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए, थोड़े नोट्स बनाइए, आप देखेंगे आपके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। Which of the following type of bacterias are present in the gut of cow and buffalo? So now again methanogens are present and they are responsible for biogas, very important, ध्यान रखिएगा। Following are the true bacteria. तो देखिए ये सारे ही बैक्टीरिया हैं, इसको छोड़ के बैक्टीरियोफेजेस आर वायरस, मैंने अभी पिछले वीडियो में भी बताया था। तो जो ट्रू बैक्टीरिया है वो है आपके यू बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। तो देखिए बैक्टीरियाज में ही फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है साइनोबैक्टीरिया के बारे में कि व्हाट इज़ दी अदर नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो अदर नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी। तो देखिए नाम से ऐसा लग रहा है कि इट इज़ एन एल्गी, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट एन एल्गी, इट इज़ अ साइनोबैक्टीरिया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी इज़ अ, तो देखिए इट इज़ नॉट एल्गी, इट इज़ अ बैक्टीरिया, इट इज़ अ साइनोबैक्टीरिया। बिकॉज इट इज़ एन ऑटोट्रॉफ, तो इसलिए इसको जो है ये नाम ब्लू ग्रीन एल्गी नाम भी दिया गया है। साइनोबैक्टीरिया आर अगेन ट्रू बैक्टीरियाज, आर यू बैक्टीरियाज, दे हैव क्लोरोफिल ए। तो ये भी पूछा जा सकता है कि विच पिगमेंट इज़ प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरियाज या इन ब्लू ग्रीन एल्गी, सो क्लोरोफिल ए इज़ प्रेजेंट। मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स। तो हेट्रोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं जैसे कि प्लांट्स, हेट्रोट्रॉफ वो होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स यानी कि फॉर देयर फूड। तो हेट्रोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स में ये फ़र्क होता है। तो ज़्यादातर बैक्टीरिया जो हैं वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म दैट कैन इवन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन आर माइकोप्लाज्मा। ये भी बहुत पूछा जाता है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो कि विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं आर माइकोप्लाज्मा, दे आर अ टाइप ऑफ पैरासिटिक बैक्टीरिया। देखिए यहाँ पे आप कहेंगे कि सबसे स्मॉल तो वायरस होता है, बल्कि वायरस से भी ज़्यादा स्मॉल होते हैं वायरॉइड्स। बिल्कुल सही बात है आपकी, सबसे स्मॉल वायरॉइड्स ही होते हैं, लेकिन उनको जो है एज सच जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं लाया जाता। तो इसलिए स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स या स्मॉलेस्ट सेल जो है वो माइकोप्लाज्मा को ही माना जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इज़ होलोजोइक। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? ये इट इज़ अ मेथड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें आप इंजेस्ट करते हैं फूड को, फिर डाइजेस्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्ब करते हैं, फिर एसिमिलेट करते हैं एंड फाइनली जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो निकाल देते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है, जो कि सारे एनिमल्स करते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। अगेन तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है आपके हैं नॉस्टक एंड एनाबिना। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है। तो नॉस्टॉक एंड एनाबिना आर बैक्टीरियाज, दे आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज एंड दे फॉर्म सिम्बोटिक रिलेशनशिप विद सर्टेन प्लांट्स सच एज द मॉस्क्यूटो फर्न। तो अगेन ध्यान रखिएगा, ये दो नाम बहुत पूछे जाते हैं। नाउ वायरॉइड स्मॉलर देन वायरस वर डिस्कवर्ड बाय टी ओ डायनर। याद रखिएगा ये भी। ऑर्गेनिजम्स ऑफ द फॉलोइंग फाइलम एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री। तो आपका आंसर है सीलेंट्रेट्स। तो सीलेंट्रेटा इज एन ऑब्सोलीट टर्म एनकम्पैसिंग द एनिमल फाइला नाइडेरिया एंड टीनोफोरा एंड एज वेल एज इकाइनोडर्म्स। तो ये सारे ही नाम जो है इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते हैं थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ। बॉडी कैविटी लाइन्ड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जिनकी बॉडी में सीलम होता है वो सीलमेट एनिमल्स होते हैं और जिनके बॉडी में ये कैविटी नहीं होती है वो एसीलमेट होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैव एक्टोडर्म, मीजोग्लिया एंड एंडोडर्म एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैव एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, डिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म की जगह मीजोग्लिया होती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। segmentation in earthworm where there is repetition of some organs is called metamerism. ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। तो अब नेक्स्ट किंगडम पे चलते हैं। ये बीच बीच में मैंने आपको मिक्स क्वेश्चंस दिए हैं ताकि जब मैं आगे किंगडम आगे जो है ये फाइलम्स डिस्कस करूँ तो आपको ये थोड़ा सा याद रहे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपका इंटरेस्ट बना रहे इसमें। तो सीलेंट्रेटा जो है जिस फाइलम को नाइडेरिया भी कहते हैं, तो उसमें जो है मेनली आपके आते हैं स्पॉन्जेस, जिनको जो है पॉरीफेरा कहा जाता है। पॉरीफेरा इज़ द कॉम्बिनेशन जिससे सारे स्पॉन्जेस इसके अंदर आते हैं। और उसके बाद ऑरेलिया जीनस आता है इसमें। ऑरेलिया जीनस जो आपका है इसमें आपकी जेली फिशेज आती हैं और ओबिलिया जेनस आता है इसमें और एडेम्सिया जेनस इसमें हिस्सा है। ये सारे इंपॉर्टेंट जेनस है फाइलम नाइडेरिया के। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पॉरीफेरा का, क्योंकि इसमें जो स्पॉन्जेस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पॉरीफेरा पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पॉरीफेरा इज कैनल सिस्टम एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है पॉरीफेरा में। उसके बाद जो है नाइडेरिया ही जो आपका फाइलम है या सीलेंट्रेटा जो आपका फाइलम है, उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है नाइडोब्लास्ट दैट कंटेन्स स्टिंजिंग कैप्सूल्स, जिन्हें कहते हैं निमेटोसाइट्स। तो ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नाइडेरिया का। और ये किस किस में प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं हाइड्रा में, फाइसेलिया में, जिसे पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहा जाता है। आप देखिए ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि Which of the following has the common name as Portuguese man of war? या which of the following is commonly known as Portuguese man of war? तो आंसर आपका फाइजेलिया। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसी तरह which of the following is commonly known as sea pen? तो आंसर है आपका पेनेचुला। और इसी तरीके से सी एनिमोन जो है वो भी आपका पार्ट है सीलेंट्रेटा का। तो देखिए जो जो एग्जाम्पल्स मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ उन्हें आपको याद करना है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, वो पूछे जाते हैं कि वो किस फाइलम को बिलोंग करते हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर दीज एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स मैंने ऐसे ही नहीं उठा लिए हैं, इन एग्जाम्पल्स का नाम स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुका है। तो इन एग्जाम्पल्स को आप नहीं छोड़ेंगे, इनको आप याद करेंगे। माउथ इज लोकेटेड ऑन दी हाइपोस्टोम। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इन पॉरीफेराज या इन सीलेंट्रेटा या इन नाइडेरिया माउथ इज लोकेटेड ऑन, तो वो हाइपोस्टोम पे लोकेटेड होता है। नाउ दे एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इनकी। तो पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है? कि अकरेंस ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन दी सेम ऑर्गेनिज्म। यानी एक ही ऑर्गेनिज्म में दो तरह के और इंडिविजुअल्स का होना जो है पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। तो ये जो दो तरह की बात कर रहे हैं हम, दो तरह की फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, वो है आपकी पॉलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म। तो इनमें जो है एक ही ऑर्गेनिज्म में ये दोनों की दोनों फॉर्म जो है वो पाई जाती हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि दे एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म। और इसमें ये क्वेश्चन ये भी ज़रूर आता है कि एसेक्सुअली कौन से फॉर्म रिप्रोड्यूस करती है? तो पॉलिप्स जो होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और बाय प्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली दे प्रोड्यूस मेड्यूसा, एंड मेड्यूसेज फॉर्म जो होती है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है एंड दे फॉर्म पॉलिप्स। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। देखिए मैं सारे फाइलम्स की जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको बता रही हूँ जो आती हैं पेपर में, तो इनको आप नहीं छोड़ के जाएंगे, ये सारा आप याद करेंगे। A sponge can be distinguished from other animals by the presence of choanocytes. Again, an important question. और choanocytes क्या है? It lines their gastric cavity. So they are flagellated cells with the collar of protoplasm at the base of the flagellum, numbers of which line the internal chambers of sponges. So again, very important. Now, bath sponge belongs to the class. तो बाथ स्पॉन्ज जो होते हैं आपके वो कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग टू डेस्मोस्पॉन्जिया। देखिए इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, ये सारा याद करने वाला है, तो इन नामों को आप याद कर लीजिए। तो बाथ स्पॉन्ज जो है वो कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग टू डेस्मोस्पॉन्जिया। स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जेस इज प्रोड्यूस्ड बाय स्क्लेरोसाइट्स। अगेन याद रखिएगा, जो स्पॉन्जेस का स्केलेटन होता है वो कौन से सेल्स से प्रोड्यूस होता है? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्क्लेरोसाइट्स। तो कोएनोसाइट्स और स्क्लेरोसाइट्स दोनों स्पॉन्जेस से रिलेटेड हैं। द ओनली फ्रेश वाटर स्पीसीज ऑफ स्पॉन्जेस इज स्पॉन्जिला। अगेन डू रिमेंबर दिस। वीनस फ्लावर बास्केट इज अ स्पॉन्ज रिजेम्बलिंग अ फ्लावर बास्केट। कॉमन बाथ स्पॉन्ज इज यूज स्पॉन्जिया। तो कॉमन बाथ स्पॉन्ज जो होता है उसका साइंटिफिक नेम जो है वो है यूज स्पॉन्जिया। और अभी हमने बताया कि यूज स्पॉन्जिया जो है कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? डेस्मो स्पॉन्जिया को। दोनों ही बातें याद रखिएगा आप। देन वी कम टू द नेक्स्ट फाइलम विच इज़ टेनोफोरा। तो टेनोफोरा में जो है ज़्यादा चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस यही इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो है बायोल्यूमिनेसेंस जो होता है वो प्रॉपर्टी होती है इस फाइलम की, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग लाइट। तो ये ध्यान रखिएगा कि बायोल्यूमिनेसेंस इज़ दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेनोफोरा। इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट जीनस है वो आपका ये है। देन वी कम टू प्लेटीहेल्मिन्थस। तो प्लेटीहेल्मिन्थस में जो है आपके आते हैं फ्लैटवॉर्म्स और आपका आता है टेपवॉर्म जिसकी जो साइंटिफिक नेम है वो है टेनिया, और आपका आता है लीवर फ्लूक जिसका साइंटिफिक नेम है फैसीओला। आप देखिए ये साइंटिफिक नेम्स आप याद रखिएगा क्योंकि इनके पूछे जाते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं वो होते हैं फ्लेम सेल्स इन प्लेटीहेल्मिन्थस। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, तो एग्जाम्पल है आपका प्लेनेरिया, अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थस फाइलम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, तो प्लेनेरिया। ये भी पूछा जा सकता है कि प्लेनेरिया विच पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी बिलोंग्स टू विच फाइलम, तो इट बिलोंग्स टू प्लेटीहेल्मिन्थस। उसी तरह से ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस, तो आंसर आपका है फ्लेम सेल्स। ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ फ्लैटवॉर्म्स या व्हाट इज़ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ टेपवॉर्म, तो अगेन आपका आंसर होगा फ्लेम सेल्स। Now the organisms which belong to this group are acelmates, यानी कि the coelom cavity is absent, so body cavity भी कहते हैं उसे, it is absent। उसके बाद नेक्स्ट जो फाइलम आता है आपका उसे निमेटोडा भी कहते हैं और उसे एसेलमिन्थस भी कहते हैं। इसमें आपके आ जाते हैं राउंड वॉर्म्स, एस्कैरिस, फिलेरियल वॉर्म, ये इनका साइंटिफिक नेम है, और हुकवॉर्म, अगेन ये आपका जो है इनका साइंटिफिक नेम है। इन सारे साइंटिफिक नेम्स को ध्यान में रखिएगा। दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ एसेलमिन्थस फाइलम। दे आर स्यूडोसीलमेट, सो दे आर इन बिटवीन एसीलमेट एंड सीलमेट ऑर्गेनिज्म, तो उनके बीच का जो है वो है एसेलमिन्थस फाइलम। दे आर डाइईशियस, तो डाइईशियस क्या होते हैं, हैविंग द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन सेपरेट इंडिविजुअल्स, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। दे आर डाइशियस। जो एलिमेंट्री कैनाल है ये इनकी कंप्लीट होती है, यानी कि द होल पैसेज अलोंग विच फूड पासिस थ्रू द बॉडी फ्रॉम माउथ टू एनस ड्यूरिंग डाइजेशन इज कंप्लीट, एंड दे हैव वेल डेवलप्ड फेरिंग्स, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। फिर आपका फाइनली आ जाता है एनेलिडा, जिसमें आपका आता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ अर्थवॉर्म होते हैं उनका साइंटिफिक नेम फेरेटिमा है और लुम्ब्रिकस है, अगेन ये साइंटिफिक नेम्स याद कर लीजिएगा। ब्लड सकिंग लीच जो है उसका साइंटिफिक नेम आपका हिरुडिनेरिया है, तो इसको भी याद कर लीजिए। उसके बाद इसका जो एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है पैरापोडिया, दिस इज़ द ऑर्गन दैट हेल्प इन स्विमिंग, और ये किस में पाया जाता है, ये आपका नीरीस जीनस में पाया जाता है, और इसको जो है कॉमनली काम वॉर्म भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो है ये लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जाता है दैट हेल्प्स इन स्विमिंग विच इज़ नोन एज पैरापोडिया, बहुत क्वेश्चन पूछा जाते हैं इस पर, तो इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनालिडा। उसके बाद इसमें आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो ये भी बहुत पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑब्वियसली वी ऑल्सो हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बट उसमें ऑप्शंस में जो है आपके लोअर फाइलम्स पूछे जाएंगे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि एनालिडा में जो है आपका क्लोज्ड सर्कुलर सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज नेफ्रीडिया इन अर्थवॉर्म, और एनालिडा के बारे में अगर बात करें तो मोस्टली इन ऑल एनालिड्स द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज नेफ्रीडिया, ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस। उसके बाद जो है अर्थवॉर्म के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ। तो लोब विच कवर्स माउथ एंड फोर्स ओपन क्रैक्स इन सॉइल इज प्रोस्टोमियम, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच पार्ट हेल्प्स इन ओपनिंग द क्रैक्स इन सॉइल, तो आंसर है प्रोस्टोमियम। इट इज़ द फर्स्ट सेगमेंट, इट इज़ द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द अर्थवॉर्म, तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसे याद कर लीजिए। फिर ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि 14 से लेकर 16 सेगमेंट्स जो होते हैं अर्थवॉर्म के, दे आर कवर्ड बाय प्रोमिनेंट डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, तो उसे क्या कहते हैं उस बैंड को, तो उसे क्लाइटिलम कहते हैं, बहुत पूछा जाता है। It is the covering of, actually it is the covering of the female genital pore present on 14th segment, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। A pair of male genital pore is present on the 18th segment. Folds present between 26 to 35 segments which increase the effective area of absorption of intestine are known as Typhlosoles. Again a very important question, ध्यान रखेंगे इसका। उसके बाद spermatic duct जो होती है अर्थवॉर्म में उसको क्या कहते हैं, उसे वासा डिफरेंशिया कहते हैं। लोकोमेट्री ऑर्गन इन अर्थवॉर्म इज सिटे, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप। रोल ऑफ टिफ्लोसोल इन द इंटेस्टीन ऑफ अर्थवॉर्म इज टू इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव एरिया। hemoglobin is dissolved in plasma in which organism? So it is dissolved in plasma in earthworm. तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का। Annelids show advancement over the nematode in having metameric segmentation. तो annelids में और nematode में क्या difference होता है कि annelids में metameric segmentation होती है। earthworm को दिमाग में रख के चलेंगे तो ध्यान रहेगी ये बात। The mode of feeding in leech is sanguivorous यानी कि ब्लड सकिंग। नेचर्स प्लोमैन किसे कहते हैं? इट इज द नेम, फेमस नेम ऑफ अर्थवॉर्म। एंटीकोगुलेंट सिक्रीटेड बाय लीच इज हिरुडिन। लीच बिलोंग्स टू द क्लास हिरुडिनिया। तो अब देखिए इसको आप रिलेट कर सकते हैं। हिरुडिनिया क्लास का नाम है और क्यों रखा गया है? ऑब्वियसली क्योंकि ये एंटीकोगुलेंट सिक्रीट करती है इसलिए। टोटल मैरीन एनालिड्स बिलोंग टू द क्लास पॉलीकीटा। अगेन ध्यान रखिएगा इसको भी, जो मैरीन एनालिड्स हैं वो पॉलीकीटा क्लास को बिलोंग करते हैं। द मोड ऑफ रेस्पिरेशन ऑन अर्थवॉर्म इज क्यूटेनियस। क्यूटेनियस है यानी कि थ्रू स्किन होती है रेस्पिरेशन। द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज नोन एज प्रोस्टोमियम। इसी के साथ साथ पेरिस्टोमियम के बारे में भी पूछा जाता है जो कि आपका सेकेंड बॉडी सेगमेंट है अर्थवॉर्म का, फ्रॉम द एंटीरियर एंड। सो उसे पेरिस्टोमियम कहते हैं और जो है इट इज़ डायरेक्टली बिहाइंड द प्रोस्टोमियम एंड कंटेन्स द माउथ एंड टेंटाक्यूलर सिरी। तो माउथ आपका देखिए प्रोस्टोमियम में नहीं होता है, पेरिस्टोमियम में होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। द नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवॉर्म विदाउट नेफ्रोस्टोम्स इज नोन एज इंटीग्यूमेंटेरी। तो ये ध्यान रखेंगे, जो अर्थवॉर्म की नेफ्रीडिया होती है जिसमें नेफ्रोस्टोम्स नहीं होते हैं उसे इंटेग्यूमेंटेरी कहते हैं। अगेन ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हें याद रखिएगा। फिर आपका आ जाता है आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है कि इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम। लार्जेस्ट फाइलम का मतलब है इट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। सो इट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आपके इंसेक्ट्स आते हैं, स्पाइडर्स, क्रैब्स एंड मॉस्किटोज़ आते हैं। तो अब आप इनसे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आर्थ्रोपोडा में क्या क्या होता होगा, क्योंकि कॉमनली आपने देखा होगा कॉकरोच। सो अगेन कॉकरोच के बारे में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ग्रास हॉपर भी आता है आपका, और इसमें आपका आता है विच इज़ नोन एज द लिविंग फॉसिल। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है कि इन विच फाइलम डज द लिविंग फॉसिल लाइमुलस बिलोंग्स। तो लाइमुलस बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा फाइलम एंड इट इज़ कॉमन नेम इज़ किंग क्रैब। तो याद रखिए किंग क्रैब इज़ नोन एज लिविंग फॉसिल। दी ग्रास होपर सिंपल आईज। तो देखिए इसमें ज़्यादातर इंसेक्ट्स जो होते हैं तो इनकी आई क्या होती है? कंपाउंड आईज होती है। तो कंपाउंड आईज क्या होती है कि बहुत सारे इसमें छोटी छोटी आईज होती हैं जिन्हें ओमेटिडिया भी कहते हैं, मतलब नॉट एग्जैक्टली आईज, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें ओमेटिडिया कहते हैं। तो इसलिए इनकी आईज जो है कंपाउंड आईज होती हैं। बट इसमें जो है ग्रास होपर जो है उसकी सिंपल होती हैं जिनको ऑसीली भी कहते हैं। तो अगेन याद रखिएगा। उसके बाद कॉकरोच जो है साइंटिफिक नेम है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। तो जैसे आप देख रहे हैं दिस रिप्रेजेंट द जीनस एंड दिस रिप्रेजेंट द स्पीशीज। तो एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड काइटिन। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। कॉकरोच के बारे में बात हो रही है अब। टंग इज लोकेटेड इन हाइपोफेरिंग्स। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स आर नोन एज टैगमिना एंड दे अराइज फ्रॉम मीजोथोरैक्स। तो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स कहाँ से अराइज होते हैं? मीजोथोरैक्स से, और उन्हें क्या कहते हैं? टैगमिना। सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स जिनको क्या कहते हैं? हिंड विंग्स, जो कि फ्लाइट में यूज होते हैं, दे अराइज फ्रॉम मेटाथोरैक्स। याद कर लीजिए इसे भी। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन कॉकरोचेज मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। तो ध्यान रखिएगा इसका। मेल्स हैव एनल स्टाइल्स विच आर एब्सेंट इन फीमेल्स. तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स कॉकरोच. तो आपका है एनल स्टाइल जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है क्योंकि वो सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होता है. उसके अलावा भी और चीज़ें जो भी मैं आगे आपको बताऊंगी. जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है वो ओपन टाइप का होता है आर्थ्रोपोडा में. यूरिक एसिड इज सिक्रीटेड थ्रू हिंडगट, सो दे आर यूरिकोटेलिक. अब देखिए हमारे पास होते हैं यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक एंड एमोनियोटेलिक. तो जो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया एज नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, तो उन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं. जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक कहते हैं. तो आपके आर्थ्रोपोडा के जो फाइलम के ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर यूरिकोटेलिक. जो एमोनिया एक्सक्रीट करते हैं वो एमिनियोटेलिक होते हैं. तो ह्यूमन बींग्स किस में आते हैं? यूरियोटेलिक में आते हैं बिकॉज वी एक्सक्रीट यूरिया. जो फीमेल ओवरीज हैं दे आर प्रेजेंट इन सेकेंड एंड सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट इन फीमेल कॉकरोच. फीमेल कॉकरोच इज स्मॉलर इन साइज, मेल कॉकरोचेज आर बिगर इन साइज. ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार कह रही हूँ इसलिए बता रही हूँ. रेस्पिरेशन जो है वो आपकी ट्रैकिया के थ्रू होती है एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस एट ट्रैकियोल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. अगेन दे हैव मोजैक विजन, अभी मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया, एज वेल एज नॉक्टर्नल विजन. और वो क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओमाटीडिया इन देयर कंपाउंड आइज. तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे. द यंग वन ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड निम्फ. हार्ट ऑफ कॉकरोच, अगेन अ वेरी फेमस क्वेश्चन. हार्ट ऑफ कॉकरोच इज 13 चैम्बर्ड. द मेन डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल कॉकरोचेज, एक तो मैंने आपको बताया ही एनल स्टाइल का डिफरेंस होता है, और दूसरा जो है डिफरेंस होता है कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड का. एनल सरसी दोनों में होती है, मेल फीमेल में. पेयर्ड एंटीना भी दोनों में होता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस भी दोनों में होते हैं. तो कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड जो है मेल्स में होती है अगेन, एंड इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एनाटॉमिकली क्लोज टू एक्सेसरी ग्लैंड्स. तो इस बात का ध्यान रखेंगे. उसके बाद अर्थवॉर्म एंड कॉकरोचेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन? तो वेंट्रल नर्व कोर्ड सिस्टम इज कॉमन इन बोथ अर्थवॉर्म एंड कॉकरोचेस. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कॉमन बिटवीन एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोडा. तो अगेन वेंट्रल नर्व कोर्ड सिस्टम इज कॉमन इन मोस्ट ऑफ देम, नॉट इन ऑल ऑफ देम. द कॉकरोच ऑफ genus Blatta is also known as oriental cockroach. In the nymphal stage of cockroach, यानी कि in the nymphal stage of cockroach, the juvenile hormone is secreted by corpora aleta. Again याद रखिएगा. In cockroaches, the ootheca जो कि egg case होता है cockroach का, is formed by the secretion of collateral gland. इसे कोलिटेरियल ग्लैंड भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं. तो ये इंसेक्ट्स में होती है और ये एसोसिएटेड होती है फीमेल जेनिटल एपरेटस से. तो अगेन इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन फीमेल. तो दिस इज़ ऑल्सो अ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल. सो दिस ग्लैंड इज़ प्रेजेंट इन फीमेल ओनली. देन वी कम टू द फाइलम मोलास्क. तो अगेन इट इज़ दी सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम. तो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा था? आर्थ्रोपोडा. और सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलास्का. एंड थर्ड लार्जेस्ट क्या है? थर्ड लार्जेस्ट है कॉर्डेटा, जिसमें हम लोग भी आते हैं. सो मोलास्का का एग्जाम्पल है पाइला ग्लोबूसा, ऑक्टोपस एंड कटलफिश. अगेन यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट दीज एग्जाम्पल्स. ये एग्जाम्पल्स ऐसा चाहते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कौन से फाइलम को बिलोंग करता है. तो जो मेन एग्जाम्पल्स दैट वी टॉक अबाउट इन मोलास्क आर पाइला ग्लोबूसा, ऑक्टोपस, कटलफिश. दे हैव अगेन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. माउथ हैज़ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला. तो रेड्यूला इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोलास्क. विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स सीलमेट अनसेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स? तो आंसर है आपका मोलास्क. head, foot and visceral mass is a combination of characters found in mollusk. Osphradium is to test the purity of water in Pila globosa, which is again a mollusk. तो ये भी पूछा जा सकता है कि osphradium is found in which phylum, is found in the organisms of which phylum, तो फिर आपका आंसर होगा mollusk. The respiratory organ in fresh water mussel are gills, ये भी ध्यान रखिएगा. Sepia is commonly known as cuttlefish. Ink glands are present in cephalopoda और इन sepia, sepia belongs to cephalopoda और cephalopoda में ink glands का नाम सुनते ही आपको ध्यान आ गया होगा कि ऑक्टोपस में भी जो है ये ग्लैंड्स होती हैं, तो यानी ऑक्टोपस ऑल्सो बिलोंग्स टू सिफेलोपोडा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा. ऑक्टोपस बिलोंग्स टू विच एनिमल फाइलम, तो इट बिलोंग्स टू मोलस्क. विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, सो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम अगेन इज मोलस्क. ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं. पर्ल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग जॉनर, तो पर्ल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पिंकटाडा जीनस, तो ये ध्यान रखेंगे. तो पिंकटाडा इज अ जीनस ऑफ सॉल्ट वाटर ऑयस्टर्स जिनसे कि पर्ल्स प्रोड्यूस होते हैं. Which of the following produces a shell which has a great ornamental value? तो आंसर है आपका nautilus. The largest invertebrate is Architeuthis. Again very important, ध्यान रखिएगा. Shipworm is a mollusk. It is not a worm. तो ये जो है आपका Acylminthus या Platyhelminthes या Annelids में नहीं आता है. It is a mollusk. तो ध्यान रखेंगे आप इसका. Devilfish is the common name of octopus. Echinodermata phylum. So echinoderms consist of starfish, Asterias genus, sea urchin जिसका scientific name है आपका Echinus, sea cucumber जिसका scientific name है Cucumaria, and sea lily जिसका scientific name है Antidone, एंड ब्रिटल स्टार जिसे कहते हैं ऑफियूरा. तो देखिए ये जो साइंटिफिक नेम्स मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ और ये एग्जाम्पल्स आपको देती जा रही हूँ, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. प्रेजेंस ऑफ वाटर वॉस्कुलर सिस्टम विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन इज़ दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स. तो ध्यान रखिएगा इस बात को, प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन. तो दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स यानी कि स्टारफिश वगैरह. एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, दे हैव रेडियल सिमेट्री, सो दिस इज द ओनली फाइलम विच हैज़ रेडियल सिमेट्री. सो ये ध्यान रखिएगा, रेडियल सिमेट्री जो है आपकी इकाइनोडर्मेटा फाइलम में होती है. Then comes hemichordata. Excretory organ is proboscis gland, and excretion by a single glomerulus situated in the proboscis. Example जो है genus, इसमें भी ज़्यादा questions नहीं बनते हैं, तो इसके example जो हैं वो दो genus इसके याद करने वाले हैं. वो है Balanoglossus, जिसको evolutionary link भी कहा जाता है between इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, तो इसको याद रख लीजिए कौन से जीनस को कहा जाता है, Balanoglossus को. और दूसरा जो जीनस इंपॉर्टेंट है वो है Sacoglossus, अगेन इन द फाइलम हेमिकॉर्डेटा. तो दिस जीनस इज कैरेक्टराइज्ड स्पेशली बाय द कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ मसल फाइबर्स इन दी प्रोबोसिस. तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूरा का पूरा ऐसे ही स्टेटमेंट दे देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ मसल फाइबर्स इन दी प्रोबोसिस. तो एग्जाम्पल है आपका Sacoglossus. उसके बाद कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को मैंने यहाँ समराइज कर दिया है जो हर बार जो है पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट. तो प्लेनेरिया या फ्लैटवॉर्म जो आपके हैं उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपका होता है फ्लेम सेल्स, और जिसको प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं. उसके बाद अर्थवॉर्म्स या फिर एनालिड्स फाइलम जो है उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है आपका होता है नेफ्रीडिया. क्रैब्स और प्रॉन्स जो हैं जो कि क्रस्टेशियंस हैं, तो उनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो होता है ग्रीन सेल्स या फिर एंटीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं. कॉकरोच या इंसेक्ट्स की हम इन जनरल बात करें तो उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है मेल्फीजियन ट्यूब्यूल्स। स्कॉर्पियन की अगर हम बात करें तो उसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो होता है कॉक्सल ग्लैंड्स। तो ध्यान रखिएगा इन बातों का, इन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का, इनके बारे में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद फाइनली हम आ जाते हैं कॉर्डेटा पे, जो कि आपका थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है और वी ऑल्सो बिलोंग टू दिस फाइलम एंड दे फाइनली हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। So chordata are again classified into subphylums, urochordata, इसमें जो है आपका ओपरकुलम होता है। ओपरकुलम क्या होता है? गिल कवर जो होता है उसे ओपरकुलम कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा किसमें प्रेजेंट होता है? यूरोकॉर्डेटा में। सो दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो कॉर्डेटा का जो सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा है उसमें आपका ओपरकुलम प्रेजेंट होता है, यही एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। उसके बाद आपका सिफेलोकॉर्डेटा होता है, अगेन नो क्वेश्चंस आर एवर आस्क्ड अबाउट दिस। देन कम्स द वर्टिब्रेटा जिसमें कि हम भी हैं, और तो वर्टिब्रेटा को छोड़ के इससे और जो सब फाइलम्स हैं और इससे पहले जो हमने फाइलम्स डिस्कस किए दे ऑल आर इनवर्टिब्रेट्स। तो फाइनली वर्टिब्रेट्स अपीयर ओवर हियर। नाउ दिस वर्टिब्रेटा इज अगेन क्लासिफाइड इनटू जॉलेस एंड विद जॉस। तो जॉलेस में जो है आपके आती हैं फिशेस, जिसको एग्नेथा सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, और क्लास जो है साइक्लोस्टोमेटा क्लास अगेन इम्पॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि जो राउंड माउथ की फिशेस होती हैं विदाउट ओपरकुलम होती हैं वो कौन सी क्लास में आती है, तो वो साइक्लोस्टोमेटा में आती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आपका आ जाता है विद जॉज, और विद जॉज वालों जो है किस में आते हैं? वो आते हैं आपके नेथोस्टोमेटा में, और इसमें भी फिर आपके आ गई फिशेज जिन्हें पाइसीज में किया गया, और टेट्रापोडा। टेट्रापोडा नाम से ही पता चल रहा है, जिनके जो है 4 लिम्स होते हैं। तो इनमें आपके आ गए एम्फीबिया यानी कि फ्रॉग वगैरह, रेप्टिलिया यानी कि लिजर्ड, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, एव्स यानी कि आपके बर्ड्स, और फिर हम आ जाते हैं मैमल्स। तो अब इसके बारे में हम ज़रा अच्छे से बात करेंगे। तो देखिए ये कॉर्डेट क्या होते हैं, तो जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो ये जो है दिस इज द डिफ्रेंशिएटिंग फीचर बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड डिफ्रेंशिएट कॉर्डेट्स फ्रॉम नॉन कॉर्डेट्स। तो ये नोटोकॉर्ड है क्या, इस पर बहुत बार पूछा जाता है। तो इट इज़ द डिफाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्डेट्स एंड हैज़ असेंशियल रोल इन वर्टिब्रेट डेवलपमेंट। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वर्टिब्रेट डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इट सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ मिडलाइन सिग्नल्स दैट पैटर्न सराउंडिंग टिश्यूज एंड एज अ मेजर स्केलेटल एलिमेंट ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इस बारे में बहुत पूछा जाता है। और इसका ओरिजिन क्या है? ये मीजोडर्मल सेल्स से ओरिजिनेट होती है, और जो है आपके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट, और इन लेटर वर्टिब्रेट डेवलपमेंट में काम आती है। और ये फाइनली क्या बन जाती है? ये फाइनली वर्टिब्रल कॉलम का हिस्सा बन जाती है आफ्टर डेवलपमेंट। तो अब एक बार फटाफट से डिफरेंस देख लेते हैं कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में। तो कॉर्डेट्स में आपकी नोटोकॉर्ड होती है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जो आपका फेरिंग्स होता है वो इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, यानी गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। हार्ट इज़ वेंट्रल इन कॉर्डेट्स, हार्ट इज डॉर्सल इन नॉन कॉर्डेट्स इफ प्रेजेंट। तो जिन नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट जो है आपका प्रेजेंट होता है तो वो डॉर्सल होता है, और अगर नहीं होता तो नहीं होता है। पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट। तो ये जो है 4 मेजर फीचर हैं जो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। उसके बाद हम ज़रा ये इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं रेप्टिलिया और एम्फीबिया, इनको मैं डिस्कस करना चाहूँगी क्योंकि इन पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए एम्फीबिया में जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन रहती है और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं फ्रॉग पे। तो फ्रॉग का जो नाम है साइंटिफिक नेम वो रैना टिग्रीना है, और इसमें एम्फीबिया क्लास में दूसरा जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है वो है सैलामेंडर, जिस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इसका जो लार्वा है उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं पहले। Being tetrapods, yani having 4 limbs, they facilitate moving about on land. These limbs evolved from pectoral and pelvic fins. तो ये important है। So ये जो limbs हैं आपके they have evolved from pectoral and pelvic fins. दे आर एक्टोथर्मिक यानी कि कोल्ड ब्लडेड, यानी उनका टेम्परेचर जो है बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है. दे कैन नॉट स्टेबिलाइज देयर टेम्परेचर. बोथ गिल एंड लंग आर प्रेजेंट. तो यूजुअली जो गिल्स हैं वो आपकी लार्वा स्टेज पे होते हैं जो कि लंग्स से रिप्लेस हो जाते हैं इन एडल्ट. एंड दे इवन हैव क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, यानी कि स्किन के थ्रू भी ये रेस्पायर कर सकते हैं. तो देखिए तीनों तरह की रेस्पिरेशन जो है इनमें अवेलेबल होती है. देयर हार्ट इज़ 3 चैम्बर्ड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, विद 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, एंड इट इज़ कवर्ड विद पेरिकार्डियम. तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि एम्फीबिया का हार्ट कह लो या फ्रॉग का हार्ट कह लो, इट इज़ 3 चैम्बर्ड. ये पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि 3 चैम्बर्ड में क्या क्या होता है. तो 2 एट्रिया होती हैं और 1 वेंट्रिकल, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है ये टिम्पैनम क्या है. तो टिम्पैनम इज़ इक्विवेलेंट टू व्हाट वी कॉल ईयर ड्रम इन फ्रॉग्स. तो फ्रॉग्स में जो ईयर ड्रम का जो पार्ट है वो प्ले करता है टिम्पैनम. जो एक्सटर्नल ईयर होता है, जैसे हम लोगों में होता है एक्सटर्नल ईयर, बाहर का जो हिस्सा है हमारा, वो फ्रॉग में नहीं होता है. तो टिम्पैनम जो है इट फंक्शंस लाइक अवर ईयर ड्रम और इट ट्रांसमिट साउंड वेव्स टू द मिडल एंड इनर ईयर, अलाउिंग अ फ्रॉग टू हियर बोथ इन द एयर एंड बिलो वाटर. तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. हिंड लिम्स आर स्ट्रॉन्गर एंड हैव 5 डिजिट्स, फॉर लिम्स हैव 4 डिजिट्स. मेल फ्रॉग्स डिफर फ्रॉम फीमेल बाय द प्रेजेंस ऑफ वोकल सेक्स एंड कॉप्यूलेटरी पैड. अगेन ये भी बहुत पूछा जाता है. और ये कॉप्यूलेटरी पैड कहाँ होता है? इट इज़ ऑन द 1st digit ऑफ द 4 limbs. Then excretory organ. Excretory organ is cloaca. In water, skin acts as aquatic respiratory organ. Cutaneous respiration present है. On land, respiration is by lungs. Pulmonary respiration भी present है. Larval stage को क्या कहते हैं? Tadpole. ये भी पूछा जाता है. Which undergoes metamorphosis to form adult. Metamorphosis क्या है? कुछ नहीं. It is a process of change, of drastic change in the larva to form the adult. So this is the whole process is known as metamorphosis. They are ureotelic, yani they excrete urea. Then brain is closed by cranium, which is also known as brain box. Hind brain जो है it consists of cerebellum and medulla oblongata. Exoskeleton is absent. ये भी question बहुत पूछा जाता है. तो आपके amphibians में exoskeleton नहीं होता है. ऑर्गन ऑफ जैकॉब्सन जो होता है वो प्रेजेंट होता है एम्फीबियंस में. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और ये किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर स्मेल. नियोटनी इज़ फाउंड इन लार्वा ऑफ सैलामेंड्रा. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो नियोटनी क्या होता है? नियोटनी इज़ द retention of juvenile features in the adult animal. So the animal has become adult but still some juvenile features या some larva features are still present in that particular organism. So that process is known as neoteny and it is found in the larva of salamandra. So the sexual maturity of an animal while it is still in a mainly larval state is known as neoteny, as it happens in the case of axolotl larva, which is again the larva of salamandra. Persistence of larval trait is also known as paedomorphosis. There is very slight difference between paedomorphosis and neoteny, and we are not going to discuss that. Both are all more or less same. So paedomorphosis and neoteny are more or less same. So, axolotl is the name of larva of मैक्सिकन सैलामेंडर, जिसका साइंटिफिक नेम है एम्बिस्टोमा. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक्सोलोटल लार्वा पोजेसेस एक्सटर्नल गिल्स, कॉर्डल फिन एंड लेटरल कंप्रेस्ड टेल. ऑल ऑफ दीज आर प्रेजेंट इन एक्सोलोटल लार्वा. उसके बाद आपका आ जाता है रेप्टीलिया. अगेन इसमें एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि रेप्टीलिया क्लास में भी आपका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होता है, लीविंग एन एक्सेप्शन विच इज़ क्रोकोडाइल. तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि दी हार्ट ऑफ रेप्टिलियंस इज़ 3 चैम्बर्ड बट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ 4 चैम्बर्ड हार्ट. तो क्रोकोडाइल है उसका आंसर. तो इसमें कौन कौन से आपके आते हैं? इसमें टर्टल्स आते हैं, क्रोकोडाइल्स आते हैं, स्नेक्स, लिजर्ड्स, ये आपके आते हैं. मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दैट देयर बॉडी इज़ कवर्ड विद स्केल्स मेड ऑफ कैरेटिन एंड दे फर्टिलाइज एग्स इंटरनली. produce eggs with shells and internal membrane structure. They are cold blooded and absorb heat, यानी कि एक्टोथर्मिक हैं. They have better developed lungs than amphibians obviously and use thoracic breathing. Have greater separation between oxygenated and deoxygenated blood. Conserve water by eliminating nitrogen waste as uric acid. तो they are uricotelic. तो ये क्वेश्चन बार बार आपको क्यों बता रही हूँ कि ये भी पूछा जाता है कि which of the following is uricotelic. तो reptilians are uricotelic and amphibians अभी मैंने डिस्कस किया are uriotelic. उसके बाद अगेन ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, एक्सेप्ट फॉर क्रोकोडाइलियंस which have a 4-chambered heart, all reptiles have 3-chambered heart consisting of 2 atria and 1 ventricle. The chamber called the right atrium receives deoxygenated blood. तो ये भी ध्यान रखिएगा, right atrium में आपका deoxygenated blood आता है. उसके बाद आपकी एव्स क्लास है यानी बर्ड्स. दे हैव वाटरप्रूफ स्किन कवर्ड इन फेदर्स. दे आर एंडोथर्मिक यानी वार्म ब्लडेड. दे हैव हार्ड शेल्ड एग्स दैट आर वाटरप्रूफ. फोर लिम्स डेवलप इनटू विंग्स. तो कौन सा पार्ट विंग्स में डेवलप होता four limbs. Most members are highly adapted for flight and have many weight-saving features such as hollow bones. So hollow bones are present in apes. They have four-chambered heart like we do, two atria, two ventricles, complete separation of oxygenated and deoxygenated blood. The right ventricle pumps blood to the lungs, while the left ventricle pumps blood to the rest of the body. The 3 germ layers are present in all the chordates and higher invertebrates. So ये बहुत important है, ध्यान रखिएगा इसका. Ectoderm, mesoderm and endoderm. They are present. These are the 3 germ layers, and they are present in all the chordates and as well as in higher invertebrates. Bilateral symmetry is seen in the body organization of annelids, arthropoda, and vertebrates. Bilateral symmetry क्या होती है कि you can exactly divide the body into 2 halves. तो ये bilateral symmetry होती है. ये किस किस में पाई जाती है? Annelids में, arthropoda में and vertebrates में. याद रखिएगा, बहुत important है. The term head in vertebrate morphology includes brain, skull, sense organs and also jaws. तो head का मतलब सिर्फ brain नहीं है, it includes skull, sense organs and jaws also. In which of the following the heart is not ventral in position? तो in crabs it is not ventral. In fish, frog, lamprey the heart is ventral. They belong to chordata. So crab does not belong to chordata. So the heart is not ventral. Now pharyngeal gill slits are again a unique chordate characteristic. तो ये भी ध्यान रखिएगा. Which of the following is a vertebrate organism? तो example आंसर है आपका globe fish. It is vertebrate. Devil fish आपके octopus का नाम होता है. Which of the following the heart does not have left and right auricle? तो cartilaginous and bony fishes do not have left and right auricle because their heart is 2-chambered. They have 1 auricle and 1 ventricle. तो ध्यान रखेंगे आप, fishes में 2-chambered हार्ट होता है. फ्लाइंग फ्रॉग का नाम जो है आपका है रैकोफोरस, साइंटिफिक नेम, ध्यान रखेंगे इसको. मेंबर्स ऑफ डैश एनिमल फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस. तो अभी बताया था मैंने, पोरीफेरा जो फाइलम है उसके मेंबर्स को स्पॉन्जेस कहते हैं एंड दे आर जनरली मरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू विच किंगडम. तो प्रोकैरियोट्स होते हैं, और प्रोकैरियोट्स कौन से किंगडम में बिलोंग करते हैं? मोनेरा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? एम्फीबियंस हैव अ 3-chambered हार्ट विथ 2 एट्रिया एंड सिंगल वेंट्रिकल. दिस इज करेक्ट. फिशेज हैव 3-chambered हार्ट. नो, दे हैव 2-chambered हार्ट. एम्फीबियंस हैव 3-chambered विथ सिंगल एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स. नो, देयर आर 2 एट्रिया एंड सिंगल वेंट्रिकल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कॉर्डेट्स? गिल स्लिट्स आर एब्सेंट. नो, गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट. नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट. Post anal tail is present. Heart is ventral, so heart is ventral is correct. In an earthworm, the 14 to 16 segments are covered by a prominent dark band, which is known as clitellum. Which of the following is true about non-chordates? So gill slits are absent. Anterior end of the earthworm consists of the mouth and the prostomium. तो एंटीरियर एंड में जो है प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम होता है. पेरिस्टोमियम में आपका माउथ है और प्रोस्टोमियम जो है वो बिल्कुल फर्स्ट सेगमेंट को कहते हैं अर्थवॉर्म की. तो एंटीरियर एंड इन दोनों के मिलने से आपका बनता है. अगले वीडियो में मैं आपको जो है ह्यूमन सिस्टम को डिस्कस करूँगी और उसके बाद जो है हमारा एनिमल से रिलेटेड सारा जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा और बायोलॉजी ऑलमोस्ट आपकी जो है 80% फिनिश हो जाएगी। उसके बाद वी आर लेफ्ट विद प्लांट्स, सो विल डिस्कस प्लांट्स लेटर ऑन और उसके बाद आपकी फाइनली पूरी बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। स्टूडेंट्स बहुत मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या ये सफिशिएंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जी हाँ ये बिल्कुल सफिशिएंट है। मैं कुछ भी नहीं छोड़ रही हूँ इसमें लूप होल। कोशिश मेरी यही है कि सारी की सारी बायोलॉजी जो है कवर हो जाए। तो ये जितने भी पार्ट्स आपके फाइनली बन रहे हैं इन पार्ट्स को आप अच्छे से कर लीजिएगा और होपफुली इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो अगर फिर भी आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, नॉलेज इंक्रीज़ करने में कोई बुराई नहीं होती है, तो आप प्लीज़ अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लीजिए बुक्स में से भी, अदरवाइज़ दिस इज़ सफिशिएंट। तो आप इन वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, दिस विल प्रूव वेरी फ्रूटफुल फॉर यू इन एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर चूज़ करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।